नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं खड़ा हूं अभी पंचगद्दी स्थल ओमकारेश्वर, जो ठीक आपके सामने दिख रहा होगा। ये ओमकारेश्वर की धरती है और इस केदारनाथ विधानसभा के 8 में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव का आज नामांकन की तिथि थी, 22 तारीख से लेकर और 29 तारीख तक। आज 4 लोगों ने नामांकन किया है, जिनमें भाजपा की आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत और यूकेटी के डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने और निर्दलीय त्रिभुवन चौहान ने अपना नामांकन किया है। और 4 लोगों ने आज केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपना नामांकन किया है। अगर बात करें तो भाजपा की ओर से जो आशा नौटियाल का जो नामांकन हुआ, उसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और बड़े बड़े कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो उनके साथ देखने को मिले हैं और उनकी लगभग कुखीमठ में जनसभा भी हो रही है। तो वहीं मनोज रावत की जो जनसभा है वो अगस्त मुनि में हो रही है। अब देख नाम बच्चन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? मंगोली गांव के। केदारनाथ में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, 20 तारीख को 20 तारीख को चुनाव होने वाले। आप किस विकास के नाम पे वोट देंगे, किन मुद्दों के आधार पे आप वोट देंगे? हमने जो हमारा रोड बना के देखा उसको वोट देना हमने। क्यों भाई, रोड आई नहीं? स्वीकृत हो रखी है, अटक रखी है 4-5 साल से। क्यों पता नहीं क्या है, आज के बता स्वरूप अलग होता स्वरूप। ये यहाँ पर जा रहा है डायरेक्ट? नहीं, बोल रहा है खुंटी सब हो रखा है। तो आप तो आज नॉमिनेशन है, आप लोग आए हैं? आ रखे हैं, हमको पसंद नहीं आया, हम वापस आ गए। क्यों नहीं आया पसंद? आज तो मुख्यमंत्री भी आ रखे हैं, उनके बारसाने खाली बासाणी कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो कही नहीं रहे हैं। इसने ऐसा किया केदारनाथ में फरना किया है, हमने ये काम किया। क्या किया केदारनाथ को या हमारे यहाँ के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सही बात है। सर नीचे दीजिए, यह सामने एक मिनट मैडम, एक मिनट, थोड़ा कुछ हट। नीचे
कि आपके काम से हम खुश हैं और इसी तरह से आप काम करते जाइए और हम आपका साथ देते जाएंगे। ये आज आपने यहाँ पर संकल्प लेना है। इस संकल्प के साथ सभी लोग अपने घरों को जब जाएंगे तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को यही बताएंगे कि हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, हमारे पूर्व सांसद, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे जिले के प्रभारी जो लगातार आपके लिए काम करते हैं, किसी बहन ने अगर उन्हें फोन कर दिया तो वो दोबारा उसको फोन करते हैं कि बहन आपका काम हुआ या नहीं हुआ। ऐसा नेतृत्व तो हमको मिला हुआ है। हमारे चौधरी जी जो दिन रात इस विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, इनको आपने सभी ने अपना बहुमूल्य समर्थन देना है, अपना आशीर्वाद देना है और इस बेटी को इस केदारनाथ देवभूमि के विकास के लिए, इस केदारनाथ देवभूमि के सेवा करने का अवसर देना है ताकि बद्रीनाथ की बेटी और इस कार्य क्षेत्र में मेरा ससुराल है, मुझे भगवान ने इस कार्य इस देवभूमि की सेवा करने का अवसर दिया है। कैसे हो भाई तुम? आनंद हेलो नौटियाल जी, भाजपा ने आप पे दांव खेला है, जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार जनता के बीच में ही रहती हूँ और उनकी सेवा के लिए ही लगातार केदारनाथ विधानसभा में रहती हूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा इस क्षेत्र के लिए खड़ी रही हूँ और निश्चित तौर पर मैं अपने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी कार्यकर्ताओं का और केदारनाथ की समस्त जनता का, मतदाता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी उच्च नेतृत्व ने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा किया है, मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का और समस्त जनता का धन्यवाद करती हूँ। आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए? बिल्कुल आश्वस्त हैं और इस क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के हर एक की चिंता की है और निश्चित तौर पर जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये देवभूमि है और यहाँ पर लोग सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इस देवभूमि की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है और धामी जी के साथ है। मुद्दे अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बस कौन सा अहम मुद्दा है जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, बहुत सारी योजनाएं जो लोगों की बड़ी समस्याएं थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच हमारी बहन शैला रानी जी के निधन के बाद उन्होंने यहाँ के विधायक का दायित्व निभाया है। उन्होंने कहा है कि इस सीट पर जब तक ये खाली है, जब तक यहाँ चुनाव नहीं हो जाते, मैं यहाँ के विधायक के रूप में भी काम करूँगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं सड़क, हमारा केदारनाथ जो धाम है वहाँ पर जाने वाले जो रास्ते हैं और यात्रा को सुगम और सरल कैसे बनाना है, इसके लिए लोगों की जो मांग थी, चाहे तोसी से थी, चाहे चौमासी से थी, चाहे हमारे गौरीकुंड से है और हमारे जो कार्तिक स्वामी हैं, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को संवारने और सजाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की जा रही थी केदारनाथ को यात्रा को लेकर, मंदिर को लेकर, स्पष्टीकरण लगातार मैंने पहले भी सवाल किया था, उसको किन लोगों के बीच में जाके कैसे आप बताओगे? देखिए, केदारनाथ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है भारी संख्या में यहाँ यात्री आए हैं और कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उसको व्यवस्थित करने का जो काम किया गया, लोगों को लगा कि व्यवस्थित जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उससे शायद यात्री कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लोग यहाँ पर आए और यात्रा है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन वो भोलेनाथ है, उसकी भरपाई वही करता है। और आज पुनः जब बरसात के बाद यात्रा शुरू हुई तो लोग वो बहुत भारी संख्या में केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जिन्होंने भी यहाँ पर अपना व्यवसाय खोला है और अपने रोजगार के लिए व्यवसाय खोला है, भगवान भोलेनाथ उनको भर भर के देगा। उन्होंने जिस उद्देश्य से खोला है वो उद्देश्य उनको पूरा होगा और हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने पलायन न करके यहाँ को सजाने और संवारने का काम किया है, तो उसमें हमारी सरकार का पूरा योगदान है, पूरा सहयोग है और मेरा भी, मैं भी यहाँ की सेवक के नाते उन भाइयों से लगातार चर्चा करके कैसे हम और अच्छा इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हम मिल के काम करेंगे जी। नेगी विधायक प्रताप नगर और मैं प्रभारी हूँ इस चुनाव का, यहाँ केदारनाथ विधानसभा। कांग्रेस का आपको प्रभारी बनाया गया है, पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो भाजपा की स्थिति को लेकर कांग्रेस किस प्रकार से रणनीति बना रही है? देखिए, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है और इन दो ढाई तीन साल के कार्यकाल में जनता की जो उम्मीद और आशा थी उस पर खरी सरकार कहीं नहीं उतरी और चारों तरफ हताशा और निराशा का वातावरण है। तो बद्रीनाथ तुम उन्हीं का ले लो, तब हमारा मान नीचे हजारों लोग हैं। नमस्कार, क्या रणनीति आगे की रही है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी? मुद्दे एक साल से तैर रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कुनीतियों के साथ है लड़ा जा रहा है। देखिए एक साल से सब जान रहे हैं गुजरात की एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ गुजरात की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यात्रा को डाइवर्ट कर दिया गया। हमारे लोग चिल्लाते रहे कि यात्रा डाइवर्ट न करिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ। सोना चोर दिया हमारा, मंदिर बोराड़ी ले गए। देखिए कहाँ तो हिमालय तू केदार होता है और कहाँ बोराड़ी तू केदार। बोराड़ी के स्लम में बाबा हिमालय में हिम के बीच रहने वाले बाबा को झुग्गी झोपड़ियों और स्लम में स्थापित करने की कोशिश करी। केदारी इस केदारियों का स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। केदारी इस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 20 तारीख के चुनाव में जैसे आज जीरो जोन घोषित कर दिया है, जीरो घोषित करेंगे। एक सवाल मेरा और है मुख्यमंत्री जी से, हमारा सवाल था कि मंचों पे क्या ज़रूरत पड़ गई बार बार अपनी सफाई देने के लिए कि मंदिर जहाँ है वहीं है। देखिए वो बेचारे क्या, उनको क्या करें, ना तो बोराड़ी हमने भेजा उन्हें और ना बोराड़ी का भाषण हमने उनके मुंह में डाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो आप पाप कर चुके हैं ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। और जो बात कहते हैं लोग कहते हैं कि साहब केदारशिला, अरे हम तो कहते हैं हम केदारियों को, हमारे केदार को कौन ले जा सकता है। और केदारशिला जो केदारनाथ लेके गए हैं उनके नाती पोते भी उस केदारनाथ की शिला को वापस केदारनाथ ला करके रहेंगे, ये हमारा भरोसा है। देखिए ये जहाँ मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है तो हमारे कैंडिडेट के लिए उत्तराखंडियत और केदार की प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ के निजी जो यहाँ के आम जनता के जो मामले हैं उनके उनका लेकर ये लड़ाई है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा को ख़राब किया गया है और लोग जो चार महीने की मेहनत के बाद अपने 12 महीने का जीवन यापन करते थे उनकी व्यापार में बहुत बड़ी कटौती यहाँ हुई है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और उससे लोग परेशान हैं। आपदा का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। 10 लाख का जिनको नुकसान हुआ उनको भी 10 से 12 हज़ार, जिनका 20 लाख का हुआ उनको भी 10 से 12 हज़ार, घोड़े खच्चर वालों को कोई मुआवजा नहीं जिनका नुकसान हुआ है। और दुकानदार जो छोटे दुकानदार थे जो रास्ते में केदार के रास्ते में जो अपनी दुकानें लगाते थे उनको 5,900 रुपये की पर्ची काटने के बाद 10,000 रुपये के चालान उनसे फॉरेस्ट ने काट लिए। सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकार बुरी तरह से नाकाम है। बुराड़ी में मंदिर बनाने चले थे और मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करने गए। पंच केदार आपने और हमने सबने बचपन से सुना है, छठा केदार बना रहे हैं। जो बाबा माइनस डिग्री में रहते हैं उनको 40 डिग्री टेम्परेचर में रखने की कोशिश हो रही थी। तो केदारनाथ के लोग नाराज हैं, अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, सड़कें टूटी हैं, इसलिए लोगों में बहुत नाराजगी। और हम इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज रावत जी चुनाव को जीतेंगे। थैंक यू। मैं यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी, त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकल कर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें और विकास की गति को और तेज बढ़ाएं। सब रूटों को मना लिया गया है? नहीं नहीं, देखिए हमारी है? हमारी पार्टी जो है आप सब जानते हैं, सभी लोग सब साथ हैं।
इतना होगा कि 20 तारीख को उत्तराखंड के जो रुद्रप्रयाग केदारनाथ विधानसभा है उसमें चुनाव होना है और 23 तारीख को रिजल्ट आना है। ऐसे में देख सकते हैं कि किसकी झोली में ये सीट जाएगी, चाहे कांग्रेस की जाएगी या बीजेपी की जाएगी, ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। हरेंद्र नेगी, गाँव तक, उखीमठ।